अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सैयद खुर्रम शहज़ाद और आज मैं आपके लिए जो सब्ज़ी जो वेजिटेबल लेकर आया हूँ इंतहाई अहमियत की हामिल है और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं इस चीज़ का फ़ायदा लेना तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वो चीज़ क्या है, वो वेजिटेबल कौन सी है? वो है कैरेट यानी कि गाजर। आपने क्या करना है, गाजर का जूस बनाना है। एक गिलास जूस बनाएं गाजर का, ठीक है। उसको आपने रात को सोते वक्त पी लेना। इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उस फ़ायदे के, अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर बेवजह पैदा नहीं की, चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, दोनों के फ़ायदे हैं। इनमें से ये जो मैंने आपको बताई है, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन जो है वो उसको खूबसूरत करेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन टोन को जो है वो ठीक करेगी, स्किन टोन जो है उसको बेहतर करेगी। उसके बाद आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको बेहतर करती है और इसके बाद जो है आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं इनको रिपेयर करती है। उसके बाद आपकी स्किन को जो है वाइट करने में मददगार साबित होती है ये जो गाजर का जूस है। तो इसके गाजर जो है, इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपकी आंखों की रोशनी को तेज़ करती है, ये आपकी आंखों को ठंडा करती है, ये आपकी जिगर की गर्मी को दूर करती है यानी इसका जो जूस है। और इसके अलावा ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाजर का जूस। और इसके अलावा जो है ये आपकी अंदरूनी बैरूनी दोनों जो है बॉडी के लिए पार्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। गाजर वैसे भी खाएं, इसका जूस भी इस्तेमाल करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके दिमाग को तेज़ करती है जो है, इसके अलावा इसके आपके अंदरूनी बैरूनी दोनों बॉडी पार्ट्स के लिए, बॉडी के हिस्सों के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी की खूबसूरती के लिए भी और बॉडी के अंदरूनी अज़ा के लिए भी, यानी उनको बीमारियों से बचाने के लिए। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और जूस का इस्तेमाल रेगुलर कोशिश करें, डेली बेसिस पे रात के वक्त आप जूस इस्तेमाल करें गाजर का, तो इंशाल्लाह आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये छोटी सी एक मैं आपके लिए ये टिप लेकर आया था। वेजिटेबल्स तो हर घर के अंदर मौजूद होती हैं लेकिन इनका इस्तेमाल भी हमें पता होना चाहिए। सिर्फ ये पका कर खाने के लिए नहीं होते, इनके और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी रेमडी लेकर आया हूँ, छोटी सी टिप लेकर आया हूँ लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़े बड़े हैं। तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूला करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।